चले भाई स्टूडेंट्स, तो बात करें कंप्यूटर की। इसमें जो सिलेबस है हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चैप्टर्स है हमारे जो आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा एक और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12, ब्राउजिंग इंटरनेट। तो आपका सिलेबस तो पूरा हो चुका है सबका, पीडीएफ मैंने सबको भेज दी है। इसके अलावा अगर पीडीएफ नहीं है किसी बच्चे के पास, बाई चांस नहीं आई ग्रुप में, नहीं था कोई भी बाई मिस्टेक, डिलीट हो गई कुछ भी समथिंग, वो मुझे फ़ोन कर ले शाम को, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज अपना नाम और क्लास, और इन चैप्टर्स की पीडीएफ जरूर मंगा ले। फोर का तो पता नहीं, 1, 2, 3, 4 और 12, इन चैप्टर्स की जरूर मंगवाए पीडीएफ, बाकी की भूल जाए, बस ये नहीं पढ़ना है। तो आज हम रिविजन कर लेते हैं इस हिसाब से, क्योंकि सिलेबस हमारा पूरा है, तो इसलिए बस रिविजन करते हैं। रीजन में दिया है आज हमारा चैप्टर 12, ब्राउजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरनेट के बारे में वैसे तुम भी सब जानते हो, आज के समय में इंटरनेट के बारे में सभी लगभग सभी को अच्छी सी नॉलेज है। कोई एक आदि ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, आदिवासी लोग होगा शायद, इंटरनेट के बारे में नहीं जानता, नहीं तो आजकल तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी इंटरनेट के बारे में जानते हैं। तो आज हम इसमें सीखेंगे ब्राउजिंग इंटरनेट। तो बुक में देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, ब्राउजिंग इंटरनेट पेज नंबर 118, ठीक है 118। तो हेडिंग दिया इंटरनेट, द इंटरनेट इज द मैसिव पब्लिक स्पाइडर वेब ऑफ द कंप्यूटर कनेक्शन। तो इंटरनेट क्या है कि मैसिव पब्लिक स्पाइडर, यानी कि चारों तरफ जो है फैला हुआ है कंप्यूटर कनेक्शन है, जो कंप्यूटर से जुड़ के काम करता है, ऐसा नेटवर्क जो चारों तरफ फैला हुआ है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इट्स कनेक्ट द पर्सनल कंप्यूटर, मेनफ्रेम, सेल फोन, GPS यूनिट, म्यूजिक प्लेयर, सोडा पॉप मशीन, कार अलार्म्स, इवेंट डॉग कॉलर्स। तो ये किस किस से कनेक्ट है आपका, कंप्यूटर से कनेक्ट है, मेनफ्रेम्स कंप्यूटर का नाम है, मेनफ्रेम भी उससे भी कनेक्ट है। इसके अलावा सेल फोन यानी आपका मोबाइल, GPS यूनिट्स, म्यूजिक प्लेयर, सोडा पॉप मशीन, ये मशीन का नाम है एक, कार्स में भी लगा रहता है अलार्म्स, एंड इवन डॉग कॉलर्स। ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर कनेक्शन एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये हर डिवाइस में आज के समय लगा हुआ है जो कंप्यूटर कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगता है। जैसे व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज भेजना है तो आपको फोन में आपके नेट होना चाहिए, अलग से पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी। क्या प्रॉब्लम है इंटरनेट की एक छोटी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंटरनेट शुरू कैसे हुआ था। अभी नेक्स्ट वाला हमारा 1969 when man walked on the moon. तो 1969 की बात करें जब आदमी चांद पर पहुंचा। The US Defense Department set up Advanced Research Project Agency ARPA. तो जब आदमी चांद पर पहुंचा तो US कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी जो डिफेंस डिपार्टमेंट था यानी कि रक्षा मंत्रालय, जिससे हम रक्षा करते हैं, जो सेना के लिए होता है, आर्मी के लिए होता है, डिफेंस डिपार्टमेंट सेट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो उन्होंने क्या है, फ्यूचर रिसर्च के लिए इंटरनेट को सर्च किया। दे डिजाइन ए नेटवर्क फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज द शेयर देयर डाटा। तो उन्होंने 1969 में एक नेटवर्क बनाया, इंटरनेट की बात करें स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था जैसा आज के समय में आप यूज करते हो, कंप्यूटर शुरू में बन गए थे, ये नहीं था कि कंप्यूटर बन गए तो इंटरनेट भी तभी बन गया था, नहीं, इंटरनेट बहुत लेट आया, बहुत बाद में बना। तो भाई जो दिया है हमारा, उन्होंने डिजाइन किया एक नेटवर्क को, जो किसके थ्रू डिजाइन हुआ, केबल के थ्रू, जैसे हमारे घर में टीवी चलता है ना तो सेटअप बॉक्स लगा रहता है, केबल लगा रहता है या फिर ऊपर सेटअप बॉक्स लगेगा, ऊपर जो वो लगी रहती है डिश हमारी, ठीक है, उसके थ्रू। तो ऐसा ही नेटवर्क बनाया गया जो केबल के थ्रू कनेक्ट था, जैसे कि हमारी एक टेलीफोन लाइन होती है, लैंडलाइन फोन की बात करें उसके लिए एक तार होता है, बिना उसके नहीं चलता है। तो टेलीफोन की तरह ही एक नेटवर्क को डिजाइन किया गया जिसके थ्रू कंप्यूटर टू एक्सचेंज देयर डाटा, जिसके थ्रू कंप्यूटर से एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज किया गया।
दिस नेटवर्क वॉज कॉल्ड एप्रानेट, इसको ARPANET बोला गया, ARPANET भी बोल सकते हैं इसको, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसका नाम रखा गया। एक मिनट अंशु, मैं अपने प्रोजेक्ट के ओरी ने नहीं फाइल के फेस ओरी घर आ गई हूँ, अंशु देखने के बाद देना कैंसिल करने नहीं रहा। तो उसका जो नाम रखा गया भाई ARPANET रखा गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अपने ही नाम पे उन्होंने रख लिया। लेटर मैनी यूनिवर्सिटीज वर अलाउड टू ज्वाइन दिस नेटवर्क, तो उस समय कुछ यूनिवर्सिटीज थी US की, जो बड़े बड़े कॉलेज थे यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी इसको अलाउ कर दिया इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए। एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, द वाज द बिगिनिंग विज ग्रे बिगर एंड गेव ब्रथ ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी विज द रेडिकली चेंज ऑफ लाइफ। तो ये मान लिए बहुत बड़ा ये चेंज था हमारा इंटरनेट की दुनिया में, सबसे पहले जब इंटरनेट हमारा शुरू हुआ इस नेटवर्क के थ्रू, एक छोटा सा नेटवर्क बना था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द इंटरनेट इज दैट नो सिंगल एजेंसी कंट्रोल और द मेंटेन्स द इंटरनेट। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इंटरनेट की कि इसको कोई एक सिंगल एजेंसी कंट्रोल नहीं करती है, कि एक ही कंपनी कंट्रोल करती है भाई। जैसे आपका एयरटेल हो गया, आप उससे लेते हो वो भी इंटरनेट देगा आपको, जियो हो गया वो भी इंटरनेट देगा, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, MTNL, इतने सारी एजेंसीज है मार्केट में, तो वो सभी प्रोवाइड कराते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है। खड़े हो जाओ भाई, पानी लो। हाँ तुम्हें तो दीवार थोड़ी, तुम्हारे पीछे तो दीवार ही है। खड़ा पानी कल आकड़े हो जाए सामने जाके, तुम्हें खड़ा हो रहे निकल बाहर, एक्स्ट्रा एडवाइस बनते हैं पानी कल, जल्दी टाइम नहीं है बेटा, बच्चों को पढ़ाना है। हेड इंडिया नेक्स्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट की कुछ पॉपुलर सर्विस है, कुछ सेवाएं हैं, बाहर चलिए आउट ऑफ क्लास और सामने दीवार के पास खड़े हो जाइए। द टर्म WWW रेफर टू द वर्ल्ड वाइड वेब इज सिंपली द वेब, तो जो कुछ सर्विस है पॉपुलर सर्विसेज दी है इंटरनेट की, सामने दीवार नहीं दिखाई दे रही तेरे को, वहीं पे खड़ा है अभी, बाद में बोलना सॉरी, चल जल्दी बाहर निकलो। तो जो ट्रम्प की बात करें हम, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये जो इंटरनेट है आज के समय की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, सभी जगह इसके कनेक्शन है, आप पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का यूज होता है, इसको हम सिंपली वेब भी बोल सकते हैं, पूरा WWW ना कह के इसको हम वेब भी बोल सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट्स ऑफ द ऑल पब्लिक वेबसाइट्स, तो इसके पास सारी पब्लिक से रिलेटेड सारी वेबसाइट होती है इंटरनेट पर, आपने गूगल पे देखा हो, कुछ भी आप सर्च कीजिए वही आपको मिल जाता है, तो वो किस पे मिलता है, वो वेबसाइट्स पे ही मिलता है। तो ऑल पब्लिक साइट्स कनेक्ट द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द देयर क्लाइंट डिवाइस सच एज कंप्यूटर एंड सेल फोन्स, तो किसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट से, ये तो आपके पास कंप्यूटर हो या फिर आपके पास सेल फोन मोबाइल फोन। दैट एक्सेस जो जुड़ जाता है वेब कनेक्ट कंटेंट्स, किससे जुड़ जाता है, इंटरनेट से जुड़ जाता है। द WWW जस्ट वन ऑफ द मेनी एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स, तो WWW पर आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल रहती है। कौन कौन सी भाई, जैसे आपका इंस्टा मैसेज वगैरह हो गया, ये यूट्यूब हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, ये सब क्या है, हमारी इंटरनेट की सर्विसेज है, इंटरनेट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट दिया है द वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड ऑन 3 टेक्नोलॉजी, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो 3 टेक्नोलॉजी पर बेस है। फर्स्ट क्या दिया है हमारा, HTML वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स होती है हमारी, जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कैसे रखते हैं, कैसे उस पर बनाया जाता है, तो पहला दिया है हमारा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज हम इस लैंग्वेज के थ्रू ही बनाते हैं। तुम्हारी इसमें भी है क्या HTML? एक मिनट, नेक्स्ट ईयर आएगी, ठीक है, HTML आएगी तुम्हारे इसमें नेक्स्ट ईयर। तो भाई इससे हम HTML से क्या करते हैं, जो हमारी HTML लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम जो वेब पेजेज होते हैं हमारे, उनको हम बना देते हैं। फिर दिया है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके थ्रू हम अपने जो हमारा ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया है,
इसके थ्रू हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, चाहे फाइल हो, चाहे फोल्डर्स हो, कुछ भी हो, उसको ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। फिर दिया वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स। तो वेब सर्वर्स जिनसे हमें सर्विसेज मिलती है कंपनीज, और वेब ब्राउजर्स जिस पर हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या हमारे वेब ब्राउजर्स हैं। तो ये थ्री टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पर हमारा इंटरनेट वर्क करता है। आगे क्या दिया, रिसर्च टिम बर्नर्स-ली, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, लेड द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब इन द लेट 1980 एंड अर्ली 90s। तो 1980 और 90s के बीच में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को, जो हमारा साइट थी उसको डिजाइन किया था। किसने, टिम बर्नर्स-ली ने, ये साइंटिस्ट थे। ही हेल्प बिल्ड द प्रोटोटाइप ऑफ द अबाउ वेब टेक्नोलॉजीज एंड कंटेन द टर्म www। तो जो ऊपर टेक्नोलॉजी दी है इन सबको उन्होंने एक साथ कनेक्ट करके, एक साथ इकट्ठा करके www टर्म्स को बनाया था, यानी कि प्रॉपर जो आज के समय में इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसको स्टेबल किया था। अब इसमें सर्विस है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के बारे में आप सभी जानते हैं, आज के समय में भाई ईमेल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप नया मोबाइल फ़ोन लेके आए हो तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ईमेल की आवश्यकता होती है। तो ये ईमेल क्या है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, या फिर एमएस पेंट है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर के, इस पर हम वर्क करते हैं। ऐसे ही ईमेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसका, सेलफोन, इंटरनेट का, सेलफोन का नहीं बेटा, ईमेल कंप्यूटर पे भी चलता है। तो ईमेल क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट की एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, बेटर नाउ एज ईमेल, जिसको हम ईमेल भी कह सकते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन टुडे। तो आज के समय में कम्युनिकेशन कहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ना, आज के समय में ईमेल एक ऐसी फॉर्म से है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी कि हर कोई इसका आज के समय में यूज़ करता है। इट इज़ द फैसिलिटी टू कम्पोज, ये आपको फैसिलिटी देता है, सर्विस कौन कौन सी देता है कि कम्पोज मेल को आप कम्पोज कर सकते हो, यानी कि भेज सकते हो, स्टोर कर सकते हैं, अगर नहीं भेजना है तो स्टोर कर सकते हैं, सेंड रेफर कर सकते हैं, एंड रिसीव मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ईमेल से क्या क्या होता है भाई, कंपोज यानी कि लिखना, उसको राइट करना भेजने के लिए। उसके बाद यह है स्टोर, अगर आज नहीं भेजना है कल भेजना है परसों भेजना है, स्टोर भी कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, किस पे, ईमेल पे। द कन्वेंस सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ सेंडिंग मेल्स ऑन द इंटरनेट हैव टोटली चार्ज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग सिस्टम। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्रॉसपॉन्डिंग सिस्टम के थ्रू ये इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ईमेल क्या हो गई, हमारी एक वेब एप्लीकेशन सर्विस हो गई। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स दिए हैं ईमेल के, वो देख लेते हैं अभी। ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल। ईमेल क्या है, बड़ी तेजी से काम करती है, यानी कि बड़ी जल्दी आप इसको सेंड कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल इज वेरी लेस, इसको भेजने का जो चार्ज है वो वेरी लेस से मतलब क्या है कि इंटरनेट आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको कोई भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप ईमेल भेज सकते हो, जैसे व्हाट्सएप भेजते हैं ना। नेक्स्ट, द पोस्टल एड्रेस डिटेल लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री, ETC हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एड्रेस। पहले जब हम डाक घर में जाते थे, जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता था, वहाँ पर अगर हम किसी को लेटर भेज रहे हैं, चिट्ठी अगर भेज रहे हैं, भाई उसका नाम होना चाहिए जिसको भेज रहे हैं, कौन से शहर में वो रहता है, कौन से राज्य में रहता है, पिन कौन सा, पिन है, पिन कोड होता है ना, जैसे 776 हमारे यहाँ का 777777 जो भी है इधर का, मतलब ये चीज़ हम चिट्ठी पर लिखते तभी वो चिट्ठी हमारी जाती थी। लेकिन उन सबको अब पोस्टल जो एड्रेस है उसको चेंज कर दिया है, किसमें, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं इस्तेमाल, है तो सेम चिट्ठी आप लेटर ही भेज रहे हो, जैसे सर अगर उसको फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो, चेंज कर दिया गया है किसमें, ईमेल एड्रेस में, क्या कह रहे हो सर, अगर कोई फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं सर उसमें भी कोड चाहिए होता है। हाँ, कोड वो मांगता है क्योंकि फ्लिपकार्ट का सामान आपका फिजिकली आ रहा है घर पे, और ये ईमेल है ये एड्रेस पे जा रहा है, आप कहीं भी हो वहीं पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप किसी भी भाई, आपको ईमेल फिलहाल आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ईमेल भी ऐसी है, व्हाट्सएप भी ऐसी है, व्हाट्सएप के लिए आप फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसको हम व्हाट्सएप भेज रहे हैं। तो जरूरी थोड़ा ना है कि वो
वहाँ रहता है थाने बोर्ड में, और वो थाने बोर्ड में रहेगा तभी उसको मैसेज आएगा व्हाट्सएप का, वो कहीं भी हो वहीं पे आ जाता है। तो इसलिए पिन फ्लिपकार्ट क्यों मांगता है, पिन फ्लिपकार्ट पिन इसलिए मांगता है क्योंकि वो फिजिकली तुम्हारे पास आके दे रहा है ना, ऐसे तो नहीं आपका मोबाइल कहीं भी हो आपको वहीं चल भेज जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो वहाँ नहीं जाएगा ना, प्रोडक्ट तो आपके घर पर ही जाएगा जहाँ आपने एड्रेस डाला है। तो सेम कंडीशन चिट्ठी के साथ होती थी, जिसलिए लेटर्स जो हम भेजते थे फिजिकली लिखकर हाथ से पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो इसलिए वहाँ पर पिन कोड की आवश्यकता होती है। अब इन सब चीज़ों को एड्रेस वगैरह पिन कोड को कन्वर्ट करके किस में ला दिया गया है, ईमेल एड्रेस में। आप कहीं पर भी हो, आपका कंप्यूटर कहीं पर भी है, आपका मोबाइल कहीं पर भी है, आपको मेल वहीं पर ही मिल जाएगी। सेम मैसेज कैन बी सेंड टू ए नंबर ऑफ पर्सन विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो जो एक मैसेज है हम एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं बिना कुछ चार्ज दिए, यानी कि आपको अगर आप एक को भेज रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, अगर 10 को भेज रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक साथ 100 लोगों को एक मैसेज को 100 लोगों को एक साथ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दिया है द चेंज ऑफ द मैसेज बीइंग द लॉस ऑफ द एफिशिएंस। आप बिना कुछ लॉस्ट किए मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास कहीं से कोई व्हाट्सएप आया रिटर्न में, आप उसमें चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यस सर। इमेज में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहो तो इमेज में भी कर सकते हैं एडिट करके, एक्स्ट्रा उस पर कुछ लिखना हो वो कर सकते हैं। ऐसा ही मेल के साथ अगर कोई मेल आपके पास आई कहीं से उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो भी आप चेंज करके कर सकते हो। वी कैन अटैच फोटोज, इसमें आप ईमेल में क्या क्या भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो अपनी, अपनी भेजो किसी की भी भेजो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोज, वीडियो आप भेज सकते हो, और अदर इम्पोर्टेंट डाटा अलोंग विद ओवर मैसेज। इसके अलावा कुछ और आपकी फाइल अगर फोल्डर वगैरह पड़ा हुआ है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में पड़ा हुआ है तो भी आप ईमेल से अटैच करके, अटैच मतलब उससे जोड़ के उसके साथ भेज सकते हो। द पॉपुलर साइट विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेंड और रिसीव मेल। कुछ पॉपुलर साइट्स हैं जो हमें फैसिलिटी देती है ईमेल को सेंड करने की और रिसीव करने की। www.hotmail.com, आप इस पर भी अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हो। www.gmail.com, इस पर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। www.yahoo.co.in या फिर www.redditmail.com, इतनी सारी सर्विसेज हैं, सर्वर्स इतने सारे हैं जो हम किसी भी इसके ऊपर जाके अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं ईमेल अकाउंट। नेक्स्ट दिया है ई कॉमर्स, तो भाई इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको कल। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, स्टे वहीं पर खड़े रहो। तो भाई ई कॉमर्स आज के समय में सब बच्चे जानते हैं, फ्लिपकार्ट का नाम सबने सुना है, फ्लिपकार्ट और OLX सब जानते हैं, तो वो ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। यानी कि घर बैठे आप कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं वाया इंटरनेट, या फिर कोई चीज़ बेचनी है तो OLX के अलावा एक दो साइट्स और ऐसी है जिस पर आप अपना सामान लोड कर सकते हो। लोड से मतलब इमेज वगैरह उसके डाल दीजिए, फेसबुक पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ लोग फेसबुक पर भी डाल देते हैं। तो ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिना कहीं घर बैठे ही जो बिजनेस किया जाता है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ाएंगे आपको कल, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।